गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और टुडेज टॉपिक इज़ फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल ऑफ बिजनेस स्टडीज़। तो यहाँ पे हम क्या देखने जा रहे हैं कि फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल होती क्या है, कैसे हमें ये डिसीजन लेना होता है कि हमारे बिजनेस में कितनी फिक्स्ड कैपिटल हो एंड कितनी हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। देखिए, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए दो ही कैपिटल चाहिए होती हैं, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, जिससे कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारी फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। देखिए, फिक्स्ड कैपिटल वो होती है जब हम अपनी फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन सी, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, एक्सेट्रा। ठीक है, जब भी हमें इस तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो उसे हम नाम देते हैं फिक्स्ड कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जो हमें अपने रूटीन बिजनेस को चलाने के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हमें किस लिए चाहिए होती है, फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस, स्टॉक परचेज करने के लिए, डेटर्स के लिए, एंड जो भी हमारी करंट एसेट्स होती है वो सब क्या होती है, हमारी वर्किंग कैपिटल। उनसे मतलब करंट एसेट्स के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, वर्किंग कैपिटल की हमें ज़रूरत होती है। तो जो ये फिक्स्ड कैपिटल होती है इसे ही हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी इसको बोला जाता है। ये जो डिसीजन होता है हमारा, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसमें हम लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते हैं कि कितने टाइम तक, मतलब एक साल से ज़्यादा के लिए अगर हमारी इन्वेस्टमेंट रहेगी तो वो बोलेंगे हम फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एंड अगर एक साल से कम की इन्वेस्टमेंट जो होती है उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल को जब भी हम देखेंगे कि हमें कितनी ज़रूरत है, तो हमें कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी वर्किंग कैपिटल डिसीजन को, एंड कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं मेरी फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन को। मीन्स कि उन फैक्टर्स को हमें ध्यान में रख के ही अपने डिसीजन को लेना चाहिए। तो देखिए, फिक्स्ड कैपिटल की बात करें अगर हम लोग, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन को अफेक्ट करती हैं। आज का जो ये हमारा टॉपिक है ये बहुत ही एक बेसिक सा टॉपिक है, बहुत इजीली आप लोग इसे समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन से फैक्टर होते हैं जो फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन जो हमारा फैक्टर होता है वो होता है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस, कि मेरा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। देखिए, नेचर के अकॉर्डिंग ही आपकी इन्वेस्टमेंट आप डिसाइड कर सकते हो। कैसे, बिजनेस जो होंगे हमारे वो टू टाइप्स के हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या फिर ट्रेडिंग बिजनेस। अब आप खुद ही समझिए, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हो तो आपको क्या क्या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको लैंड भी चाहिए, आपको बिल्डिंग भी चाहिए, आपको प्लांट एंड मशीनरी भी खरीदनी पड़ेगी। मीन्स आपको एक हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर आपका बिजनेस है ट्रेडिंग बिजनेस, जहाँ पे कि आप फिनिश गुड्स खरीदते हो एंड उसे सेल कर देते हो, तो ऑब्वियस ही बात है आपको कोई प्लांट एंड मशीनरी, कोई लैंड बिल्डिंग की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो इसे हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हमें की ज़रूरत क्या होगी, कम होगी। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो वहाँ पे मुझे फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा चाहिए, और अगर मेरा ट्रेडिंग बिजनेस है तो मुझे फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए। स्केल ऑफ ऑपरेशंस, कॉमन सी बात है कि अगर आप बड़े स्केल पे काम करते हो तो आपको ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर आप स्मॉल स्केल पे बिजनेस करते हो तो आपको कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपका स्केल ऑफ ऑपरेशंस जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा बिजनेस आपका बड़ा होगा, उतनी ही ज़्यादा आपको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। और अगर आपका बिजनेस छोटे लेवल का होगा तो आपको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम रहेगी। उसके बाद होती है मेरी चॉइस ऑफ टेक्निक। देखिए, ये फैक्टर भी अफेक्ट करता है कि मुझे कितनी फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। चॉइस ऑफ टेक्निक ये हमें क्या बताती है कि अगर हम चाहते हैं कि मेरे बिजनेस के अंदर जो भी काम हो वो ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स के थ्रू हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेटिक हो, तो मुझे फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी।
और अगर मेरा बिजनेस इस तरीके का है कि वहाँ पे मैनुअल लेबर के थ्रू हम काम करवा सकते हैं, हमें ज़्यादा मशीन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर क्या होगी, हमारी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी उतनी ही कम रहेगी। तो अगर आप चाहते हो कि जितना भी आपका बिजनेस हो रहा है उसमें आप टेक्निक्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, मशीन्स की रिक्वायरमेंट अगर आपके पास ज़्यादा रहेगी तो अकॉर्डिंगली आपको फिक्स कैपिटल क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। उसके बाद हमारा जो पॉइंट आता है वो होता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। देखिए, अगर आप जो भी मशीन्स यूज कर रहे हो अपने बिजनेस के अंदर उसमें बहुत जल्दी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आ जाता है तो आपको अपनी मशीन्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड करने के लिए आपको उसके अंदर कोई ना कोई चेंजेस करने पड़ेंगे, तो इन सब के लिए आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। तो अगर आप कोई भी ऐसी मशीन्स यूज़ कर रहे हो अपने बिजनेस के अंदर, आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट ही ऐसी है कि जो भी आप मशीन्स यूज़ करते हो उसमें टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी अपग्रेड हो जाती है, तो अकॉर्डिंगली आपको अपने बिजनेस की मशीन्स जो भी हैं आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, तो इसके लिए आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रहेगी। तो इसे हम बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन पे भी डिपेंड करता है कि मेरी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी। उसके बाद रहता है हमारा ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव। अगर आपको लगता है कि लॉन्ग रन के अंदर आप देखो ग्रोथ तो सभी करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना है, आप अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ इस तरीके से करना चाहते हो कि बिजनेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करके, तो अकॉर्डिंगली आपको फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा बिजनेस जितने लेवल पे है, मान लीजिए कि आप एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हो अभी, और आप चाहते हो कि नहीं हम हमेशा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही काम करेंगे, तो आपको फिक्स्ड कैपिटल के अंदर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने सोच रखा है कि नहीं डिस्ट्रिक्ट के बाद मुझे स्टेट लेवल पे जाना है, देन मुझे नेशनल लेवल पे अपना काम बढ़ाना है, तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको ज़्यादा लैंड एंड बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी, ज़्यादा आपको मशीन्स लगानी पड़ेंगी, ज़्यादा आपको मैन्युफैक्चरिंग भी करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन जो होता है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है कि अगर आप एक न्यू प्रोडक्ट लाइन ऐड करना चाहते हो अपने बिजनेस के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। ध्यान से समझिए, अभी मान लीजिए कि आप कोई भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपने लगा रखी थी, लेकिन अब आप चाहते हो कि नहीं मुझे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ साथ और भी प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, मान लीजिए कि आपको फर्नीचर भी बनाना है, ये कोई भी बिजनेस आप इसके साथ ऐड ऑन करना चाहते हो, आप अपनी प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाना चाहते हो, तो ऑब्वियस ही बात है उसके लिए आपको एक नया प्लांट लगाना पड़ेगा, न्यू मशीनरी चाहिएगी, बिल्डिंग चाहिएगी, हर तरीके की इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, जब हम एक प्रोडक्ट लाइन से एक से ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन की तरफ जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। पहले हम एक ही प्रोडक्ट बना रहे थे, आज हम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट अगर बनाना चाहते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन। उसके बाद आता है फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। देखिए, कैपिटल बस्टिंग है जो फिक्स्ड कैपिटल का डिसीजन होता है, वो हमारा लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है, तो इसके लिए जब भी हम फाइनेंस की बात करें तो हम फाइनेंस कहाँ से अरेंज करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल से, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, रिटेन्ड अर्निंग्स या बोरोड कैपिटल से। ठीक है, तो ये सब आपके पास क्या रहती हैं, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल रहती हैं। लेकिन एक और हमारे पास फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव आता है, वो होता है लीजिंग। लीजिंग समझिए क्या होता है, लीजिंग में क्या होता है कि आप कोई भी बिल्डिंग या कोई भी चीज़, कोई मशीनरी ले लो या बिल्डिंग ले लो, आप उसे लीज पे ले लेते हो, जिसमें कि आप एक फिक्स्ड पीरियड के लिए उसकी एसेट को यूज़ करते हो एंड रिटर्न में आप उसे एक लीज रेंट पे करते हो। तो अगर आपको लीजिंग पे कोई भी एसेट अवेलेबल हो जाता है इजीली, देन आपकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। और अगर आपको लीजिंग पे अवेलेबल नहीं हो सकती है वो चीज़, तो आपको खुद से परचेज करनी पड़ेगी, और जब आप खुद से परचेज करोगे तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रहेगी। तो ये थी हमारी फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स, जिसमें कि हमने न्यू ऑल्टरनेट पढ़ा लीजिंग। अगर आपको लीजिंग के थ्रू कोई भी एसेट मिल सकता है तो आपको फिक्स एसेट
कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और अगर वो चीज़ लीजिंग पे अवेलेबल ही नहीं है, आपको खुद से ही खरीदना पड़ेगा, तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत रहेगी। उसके बाद हमारा एक और पॉइंट रह जाता है, दैट इज़ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन में क्या होता है, हम अपने बिजनेस के अंदर किसी और ऑर्गेनाइजेशन की भी हेल्प लेते हैं। अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से हमारी फिक्स्ड एसेट, मान लीजिए कि उसके पास कोई फिक्स्ड एसेट पड़ी थी जिसकी ज़रूरत उन्हें नहीं थी, हमने उनसे वो रेंट पे लेके उन्हें एक रेंट पे करना शुरू कर दिया, दैट इज़ नोन एज कोलैबोरेशन। तो अगर आपको कोलैबोरेशन के थ्रू कोई भी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, तो आपको फिक्स कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ेगा। ये क्या होता है कि जब दो या तीन बिजनेस यूनिट होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, कोई एसेट मेरे पास है मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हें रेंट पे दे देती हूँ, और जो एसेट उनके पास एक्स्ट्रा पड़ी है हम उनसे वो रेंट पे ले लेते हैं, दैट इज़ नोन एज कोलैबोरेशन। जैसे कि आप बैंक्स की बात कीजिए कि दो बैंक थे, उन्होंने आपस में क्या टाई अप किया कि क्या ए बैंक जो है वो बी बैंक का एटीएम यूज़ कर सकता है, इससे क्या होगा हमें एटीएम मशीन खरीदनी नहीं पड़ेगी, और जो बी बैंक होगा उसे एटीएम मशीन का टाइम पे रेंट आता रहेगा, तो दैट इज़ नोन एज कोलैबोरेशन। जब हम बिजनेस यूनिट्स जब आपस में कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे की एसेट्स को यूज़ करते हैं और बदले में रेंट पे करते हैं, दैट इज़ नोन एज कोलैबोरेशन। अगर आप कोलैबोरेशन करते हो तो आपके फिक्स कैपिटल की नीड कम हो जाती है, और अगर वो चीज़ पॉसिबल नहीं है कोलैबोरेशन के थ्रू, देन तो आपको खुद से खरीदना पड़ेगा, तो फिक्स कैपिटल की नीड आपके लिए ज़्यादा हो जाएगी। तो ये थे वो फैक्टर्स जो हमारे फिक्स कैपिटल डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। बहुत ही कॉमन से, बहुत ही ईजी से फैक्टर है, आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे कि वर्किंग कैपिटल डिसीजन को अफेक्ट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, वर्किंग कैपिटल आप सभी जानते हो, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, डिफरेंस ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। एंड वर्किंग कैपिटल की हमें रिक्वायरमेंट किस लिए होती है, अपने डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए, अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को पे करने के लिए, लाइक रेंट पे करने के लिए, सैलरी पे करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे करने के लिए, एंड सो ऑन। इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए होती है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल देखिए, ना ही तो मेरे पास बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ना ही मेरे पास बहुत कम होनी चाहिए, ये एक बैलेंस होना चाहिए मेरे पास कि जब ज़रूरत हो तो वो कम ना पड़े मुझे, दैट इज़ नोन एज वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो वर्किंग कैपिटल क्या हुआ, इट इज डिफरेंस ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का डिफरेंस क्या है मेरा, वर्किंग कैपिटल। तो कितनी वर्किंग कैपिटल होगी ये भी क्या डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मेरी वर्किंग कैपिटल डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, तो इन सारे फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल डिसीजन, कि कौन कौन से फैक्टर मेरे इस डिसीजन को अफेक्ट करेंगे। देखिए, फर्स्ट वन इज जो मेरे वर्किंग कैपिटल डिसीजन को अफेक्ट करेगा, सेम पॉइंट है जो हमने फिक्स कैपिटल डिसीजन में पढ़ा था, नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, अगर आपका बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी, और अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी। समझिए कैसे, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो पहले आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, वो रॉ मटेरियल आपका वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट होगा, देन फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, तो आपका जो पैसा है वो ब्लॉक रह रहा है, इसकी वजह से आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए स्टाफ रखोगे, उन्हें आपको लेबर पे करनी पड़ेगी, सैलरी पे करनी पड़ेगी, उसके लिए भी मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए। हम जो मशीन्स लगाएंगे उसमें फ्यूल डालने के लिए भी मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए, फैक्ट्री का रेंट पे करने के लिए भी मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, और अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो देखिए हमें क्या करना है, सिर्फ फिनिश गुड्स को ही परचेज करके आगे उसे सेल करना है, तो इसमें हमारा पैसा ज़्यादा टाइम तक ब्लॉक नहीं रहता है, इसलिए हमें यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है स्केल ऑफ ऑपरेशंस, सेम पॉइंट है ये भी। अगर आप लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहे हो देन ऑब्वियसली बात है आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, और अगर आप स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहे हो तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। उसके बाद आता है बिजनेस साइकिल। देखिए हमारा जो बिजनेस साइकिल होता है वो इस तरीके से चलता है, दिस पीरियड इज नोन एज बूम, देन वो क्या होता है डिक्लाइन होता है, यहां पे वो डिप्रेशन में होता है, देन वो इंप्रूवमेंट करता है, अगेन क्या होता है बूम आता है। तो देखिए अगर आपका बिजनेस साइकिल, अगर आपका बिजनेस साइकिल जो है वो बूम है वहां पे, यानी कि आपका बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पे अगर है, आपकी इंडस्ट्री जो है उसमें बूम है, आप अच्छा काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात आपको वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होगी। और अगर डिप्रेशन है मार्केट के अंदर, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर अगर डिप्रेशन है, काम अगर कम है वहाँ पे, तो मुझे वर्किंग कैपिटल भी कम चाहिए होगी। तो बिजनेस साइकिल पे भी डिपेंड करता है कि हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर आता है दैट इज सीजनल फैक्टर। देखिए सीजनल फैक्टर पर भी डिपेंड करती है वर्किंग कैपिटल। कैसे? अभी जैसे विंटर सीजन चल रहा है तो जो वूलन कपड़ों की जो भी इंडस्ट्री होगी उनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी उनको वर्किंग कैपिटल चाहिए, एंड देन उन्हें प्रॉपर स्टॉक भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इसलिए जो सीजनल फैक्टर होते हैं उस पर डिपेंड करती है हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट। उसके बाद आता है हमारा प्रोडक्शन साइकिल। देखिए प्रोडक्शन साइकिल हमें क्या बताता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम लगता है, लाइक रॉ मटेरियल से लेके वो फिनिश गुड्स बनने में कितना टाइम लेता है। अगर आपका प्रोडक्ट इस नेचर का है कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने तक बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो वर्किंग कैपिटल भी आपको ज़्यादा चाहिए होती है, और अगर बिजनेस नेचर ऐसा है कि रॉ मटेरियल लेने के बाद बहुत कम टाइम में आप उसे फिनिश गुड्स बना सकते हो, आपका प्रोडक्शन साइकिल अगर कम टाइम का है तो आपको फिक्स वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होती है। उसके बाद हम देखते हैं क्रेडिट अलाउड। देखिए दो पॉइंट आएंगे यहाँ पे जो बिल्कुल सेम होंगे, माइनर साइन में डिफरेंस होगा, क्रेडिट अलाउड एंड क्रेडिट अवेल। देखिए क्रेडिट अलाउड मींस जब आप अपनी सेल को जो है क्रेडिट सेल कर रहे हो, अगर आप क्रेडिट सेल ज्यादा कर रहे हो तो फिर आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। अगर आप क्रेडिट सेल ज्यादा कर रहे हो तो होगा क्या, आपको अपने डेटर से पैसा थोड़े टाइम बाद मिलेगा, जिसकी वजह से आपका पैसा ब्लॉक रहेगा डेटर्स में, तो आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। और अगर आपकी कैश सेल ज़्यादा होती है तो फिर आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, क्योंकि आप सेल करके बहुत जल्दी उसे कैश में कन्वर्ट कर लेते हो, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। इसी का जस्ट अपोजिट है क्रेडिट अवेल करना। क्रेडिट अवेल में हम क्या देखते हैं कि अगर मुझे क्रेडिट में परचेज करना ईजी है मेरे लिए अगर, तो फिर मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। अगर मुझे हर बार कैश में ही परचेज करना पड़ता है, मेरा बिजनेस का नेचर ही ऐसा है, तो मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। अगर हम क्रेडिट परचेज कर सकते हैं, हमें अवेलेबल है ये फैसिलिटी, तो हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। अगर हम नहीं परचेज कर पा रहे तो हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट अलाउड एंड क्रेडिट अवेल, कि अगर हम क्रेडिट में सेल करते हैं दैट इज़ क्रेडिट अलाउड, हमें वर्किंग कैपिटल यहाँ पे ज़्यादा चाहिए होती है, और अगर हम कैश में सेल करते हैं तो वर्किंग कैपिटल हमें कम चाहिए होती है। ये जस्ट क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। देखिए ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जो फैक्टर होता है, इसके ऊपर भी हमारी वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो डिपेंड करती है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मींस कितनी जल्दी आप अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, फिनिश गुड्स को कितनी जल्दी आप सेल करते हो, एंड सेल से कितनी जल्दी आपको कैश मिल जाता है, दैट इज़ नोन एज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अगर इस पूरे ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर
कम टाइम लगता है तो आपको वर्किंग कैपिटल भी कम चाहिए होती है। अगर इस ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ज़्यादा टाइम लगता है तो आपको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। इट मीन्स कि रॉ मटेरियल से लेके प्रोडक्ट को बनाने तक एंड उसे सेल करने के बाद कितनी जल्दी हम उसे कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज़ ऑपरेटिंग साइकिल या ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। तो जितना कम इसमें टाइम लगेगा उतनी ही जल्दी हम अपने प्रोडक्ट से पैसा सेल करके जो है कैश हमें मिल जाता है, तो हमें वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होती है। और जितना इस प्रोसेस के अंदर टाइम लगता है उतना ही वर्किंग कैपिटल हमें ज़्यादा चाहिए होती है। उसके बाद आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आपको रॉ मटेरियल बहुत जल्दी टाइम पे अवेलेबल हो जाता है तो आपको उसका स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इस केस में आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम रहती है। और अगर आपका रॉ मटेरियल का नेचर इस तरीके का है कि आपको जल्दी से मिलता नहीं है या मिलने में बहुत टाइम लग जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर स्टॉक करके रखना पड़ेगा। इसकी वजह से आपका पैसा ब्लॉक रहेगा रॉ मटेरियल में, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रहेगी। तो जो अवेलेबिलिटी होती है रॉ मटेरियल की उस पर भी डिपेंड करता है कि मेरी वर्किंग कैपिटल की नीड कम होगी या ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से फैक्टर्स पढ़े, फर्स्ट वन इज़ नेचर ऑफ बिजनेस, कि आपका बिजनेस का नेचर कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग है। अगर मैन्युफैक्चरिंग नेचर है तो ज़्यादा कैपिटल चाहिए होगी वर्किंग कैपिटल, ट्रेडिंग है तो कम चाहिए होगी। अगर आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर आप लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिएगी, अगर आप स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल आपको कम चाहिए होगी। उसके बाद आता है मेरा बिजनेस साइकिल। ध्यान से देखो, बिजनेस साइकिल क्या होता है, किसी भी इंडस्ट्री में सबसे पहले अगर बूम है देन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसमें डिक्लाइन आएगा, देन डिप्रेशन, फिर इम्प्रूवमेंट होगी एंड अगेन बूम होगा। अगर आपका बिजनेस साइकिल बूम है अगर वहाँ पे, तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्ट की डिमांड अगर ज़्यादा रहेगी तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रहेगी। और अगर वहाँ पे अभी डिप्रेशन है किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, मींस आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही बहुत कम है, तो आपको पर्टिकुलरली कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और कम आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। सीजनल फैक्टर, अगर आपके बिजनेस का पीक सीजन चल रहा है, पीक सीजन मीन्स जैसे भी विंटर सीजन चल रहा है तो वुलन कपड़ों की डिमांड ज़्यादा है, दैट इज़ पीक सीजन, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है प्रोडक्ट साइकिल। प्रोडक्ट साइकिल ये बताता है कि कितनी जल्दी आपका रॉ मटेरियल जो है फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है, जितनी जल्दी वो कन्वर्ट होता है तो उतनी ही वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहती है। क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट सेल अगर आप ज़्यादा करते हो तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिएगी, अगर क्रेडिट सेल कम करते हो तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिएगी। क्रेडिट अवेल करना, अगर आपके पास ये फैसिलिटी है कि आप अपने क्रेडिटर्स को थोड़े टाइम बाद पे करते हो, क्रेडिट में परचेज करते हो, तो फिर वर्किंग कैपिटल भी आपको कम चाहिए होती है। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। इट मींस कि आपका बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल कितना टाइम लेता है, कितने टाइम में आपका रॉ मटेरियल जो है वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है। जितना ये ऑपरेटिंग साइकिल कम होगा उतनी ही वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होती है, और जितना ऑपरेटिंग साइकिल लार्ज होगा उतनी ही कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। उसके बाद आते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो अगर आपको रॉ मटेरियल जल्दी से अवेलेबल हो जाता है तो आपको उसका ज़्यादा स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। तो ये सब फैक्टर्स थे जो हमारे वर्किंग कैपिटल डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। बहुत ही ईजी सा ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपनी क्वेरी हमें बता सकते हो। आज के लिए इतना ही। आज के साथ हमारा ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एंड इस पूरे टॉपिक में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से करिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।